हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए टू जेड एल। दोस्तों, ये हमने ट्रेडिंग मास्टर कोर्स स्टार्ट किया जिसमें हम लोग एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है बुलिश एंड बेरिश ब्रेकर्स। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर हमने क्या पढ़ लिया, हमने फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया। तो जल्दी से मैं इसको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ जल्दी से, और फेयर वैल्यू गैप के बारे में। तो फेयर वैल्यू गैप क्या था? तो फेयर वैल्यू गैप था कि जहाँ पे तीन कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, जो कि जिसमें कैंडल नंबर टू का साइज बहुत ही बड़ा होता है, कैंडल नंबर थ्री जो कि कैंडल नंबर टू के ऊपर बना रहता है। तो ये जो तीनों कैंडल है, ये तीनों के बीच में एक जो कैंडल नंबर थ्री है, जो कैंडल नंबर वन है उसका जो अपर विक होता है उस पॉइंट से लेके, और कैंडल नंबर थ्री है उसका जो लोअर विक है उसके बीच का जो गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप करते हैं। असल में इसे किस काम आता है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर उठ रही है तो अचानक से वो इतना पोटेंशियली ऊपर हो जाती है कि जो बायर रहते हैं उनको बहुत जल्दी हड़बड़ाहट रहती है सेल करने की, और जो सेलर होते हैं उन्हें वो स्पॉट, मतलब जो बायर होते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं, और जो सेलर होते हैं वो बेच नहीं पाते हैं, इतना जल्दी प्राइस में होती है। तो इस प्राइस में आने के बाद जो सेलर होते हैं वो सोचते हैं कि चलो प्राइस तो बहुत ज़्यादा उठ गया, अब इसको यहाँ से बेच देना चाहिए। तो मान लो कोई चीज़ जो 100 रुपये का है वो अचानक से बढ़ के 120 पे चला आता है, तो क्या होता है कि मार्केट में बहुत जल्दी सेल क्वांटिटी ऑर्डर लग लगती है, और बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर क्वांटिटी लगती है तो प्राइस सब्सटेंशियली डाउनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और जब प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, मान लो वो बोलते हैं कि स्टॉक में या फिर सी जो भी चें इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो क्या करते हैं कि वो इस लेवल पर अपना बाइंग ऑर्डर लगाते हैं। इस लेवल पर 102, 103, 104 जो उसका जो रिस्क अपेटाइट है उस लेवल पर ऑर्डर लगाते हैं। और जैसे ही इसका ऑर्डर यहाँ पे नीचे ऑर्डर आता है, ये बायर्स ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, और यहाँ से एक मार्केट डिमांड बढ़ता है स्टॉक का, और मार्केट यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर देता है। सो दिस इज फेयर वैल्यू गैप, और सेम होता है अपोजिट इन द केस ऑफ डाउनवर्ड। जो ट्रेडर शॉर्ट करना चाहते हो वो क्या करते हैं कि मान लो कि एक स्टॉक है वो 90 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वो चाहते हैं कि इसको मैं शॉर्ट करूँ इस स्टॉक को, तो स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, लेकिन अचानक से इतना भी प्राइस गिर जाता है कि सारे ट्रेडर्स को शॉर्ट नहीं कर पाते हैं, और जो शॉर्ट कर दिए रहते हैं या फिर जो शॉर्ट नहीं किए रहते हैं, मान लो कि एक्सवाइजेड कंपनी का स्टॉक है, ये एक्सवाइजेड कंपनी का स्टॉक है, तो इसकी अच्छी वैल्यू चल रही है, एक्सवाइजेड की कंपनी की स्टॉक है। अब क्या होता है कि प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ के आसपास था, गिर के 80 रुपीज़ के आसपास आ गया। अब जो पोटेंशियल बायर होते हैं वो सोचते हैं स्टॉक में बहुत अच्छा दम है, तो क्या करते हैं 80 रुपीज़ के पास बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता है इसलिए कहता है तो जो सेलर 90 रुपीज़ पर शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी खो दिए थे वो सोचते हैं चलो 95 के लेवल पे, 85 के लेवल पे मिल रहा है, 84 के लेवल मिल रहा है, 86 के लेवल मिल रहा है, उसको जल्दी जल्दी शॉर्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, अगर सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ से स्टॉक ऐसे फॉल करने लगता है। सो ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप के बारे में। तो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं जो कि है टोटली न्यू टॉपिक है, जो मैंने बताया था आपको, बुलिश एंड बेरिश ब्रेकर। आखिर ये बुलिश और बेरिश ब्रेकर होते क्या है? तो इसमें मैंने थ्योरी बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाया हूँ, डायरेक्ट मैं आपको एक जो चार्ट है उसके थ्रू एनालिसिस करने आपको सिखाने वाला हूँ। थोड़ा जूम कर लेते हैं और सबसे पहले बुलिश ब्रेकर की तरफ चलते हैं। अब देखो ये एक बुलिश ब्रेकर है, इसमें एक ध्यान से देखना, एक बनता है लो, एक बनता है लो, उसके बाद एक बनता है हाई, और फिर एक बनता है लोअर लो। ये हमेशा याद रखना, लोअर लो ये जो लो है उससे नीचे, और एक हाई बनेगा जो उससे भी ऊपर, और फिर वहाँ पे आके होता है टेस्ट, और यहाँ से होता है बूम। आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो हम लोग जो भी एडवांस मास्टर ट्रेनिंग क्लास, उसमें हम लोग सबसे पहले लॉजिक पे फोकस करेंगे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले सबको डिलीट कर दूँ। अब मान लो कि जो स्टॉक है इसका प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर, अब ये 100 रुपीज़ से बढ़ के ये स्टॉक का जो प्राइस है वो 110 रुपीज़ के आसपास चला जाता है, फिर ये गिर के 90 रुपीज़ के आसपास आ जाता है, और ये फिर बढ़ के 110 रुपीज़ के आसपास पहुंच जाता है, और फिर इस 100 वाले लेवल को रीटेस्ट करता है। अब इसके पीछे का लॉजिक सुनो, कोई भी स्टॉक, एक सेकंड में यहाँ पर गलती कुछ कर दिया हूँ, इसको मैं 110 कर लेता हूँ। ये जो स्टॉक है 100 से बढ़ के 110, और यहाँ से गिर के 90, और यहाँ पे गिर के 120, और फिर यहाँ पे 100 रुपये के आसपास आ जाते हैं।
ठीक है, समझ गया। 110 कैश पास कर लेते हैं उसको। ₹110 के आसपास आए हैं। अब देखो जो स्टॉक 100 रुपये ट्रेड कर रहा था वो ऊपर गया 110 रुपये में, क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई। अब वो जो है 110 रुपये से गिर के 90 रुपये तक चलता है, इतना ज़्यादा सेलिंग होती है। अब स्टॉक में पोटेंशियल होता है तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन का प्लेयर है, क्योंकि देखो इसमें जो वॉल्यूम है ये 100 से सिर्फ 100 उठाया, लेकिन अब जो स्टॉक है वो 90 से डायरेक्ट 120 रुपये जुड़ जाता है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बाइंग हो रही है। अब ये 90 से उठ के 120 चलाता है और फिर कुछ सेलर्स होते हैं जो उसको सेल करते हैं, सारे नहीं सेल करते हैं, तो ये गिर के 110 रुपीज़ के आसपास आता है। और फिर अगर यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन दिखता है आपको तो ये पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और सेम इन द केस ऑफ अगर आप बोली चलेंगे, एक स्टॉक उठा फिर नीचे गिरा, फिर बहुत ज़्यादा उठ गया और फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया और फिर थोड़ा सा उठा और वहाँ से अगर नीचे गिरता है तो ये होता है बुलिश बेरिश ब्रेकर। अब मैं इसको लाइव मार्केट में आपको ट्रैक करके दिखाऊंगा कि सच में काम करता भी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का एक चार्ट ओपन कर लिया हूँ और कैसे बनाना है बुलिश ब्रेकर यह मैं सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं एक पाथ का सहारा लूँगा, पाथ का। अब देखो ये एक है लो, ये बनाया है हाई, ये बनाया है लोअर लो, ये बनाया है हायर हाई, फिर ये क्या है रिटेस्ट करने जोन को और जोन को रिटेस्ट करने का समझ लें। जूम करता हूँ, क्लियर है। अब ये पैटर्न है उसको आप ध्यान से देखें, ये पैटर्न को 1 2 3। अब इसको मैं अपने नोट्स से अगर दिखाऊं तो देखो नोट्स में ये पैटर्न है, ध्यान देखो, तो इसको इरेज कर देता हूँ। ये पैटर्न आप देखो, ये पैटर्न आपको सेम दिखाई देगा जो कि मैं आपको उसमें दिखा रहा था। अब यही पैटर्न आप सेम देखो तो निफ्टी 50 में फॉलो हुआ है, निफ्टी 50 में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 1 2 3 4। अब अगर मैं देखूँ तो मैं ICICI बैंक के स्टॉक पर देख रहा था। अब देखो ये है बुलिश ब्रेकर, एक बनाया लो, रुक मैं डिलीट कर, एक बनाया लो, देखो मार्केट आया, एक लो बनाया, फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर हाई, फिर रिटेस्ट और फिर वो। सो ये था बुलिश ब्रेकर। अब एक और ब्रेकर देख लेते हैं, मैं मार्क किया था इधर में, देखो एक बना लो, एक बना हाई, एक बना लो, एक बना हाई, एक बना लोअर लो, एक बना हायर हाई, फिर आया इस जोन को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद बूम। इस पार को छोड़, देखो बूम इतना करा दिया। इसके कल से ना पूछो करीबन ये इंटरडे में आपको, अगर इंटरडे में ट्रेड कर यहाँ से आपको 4% का ट्रेड मिल गया रहता आराम से। तो सोचो ये कितना अच्छा स्ट्रेटजी काम करता है। लेकिन इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है एक लो होगा एक लोअर लो होगा, हाई होगा एक हायर हाई होगा, तभी जाके ये ट्रेड काम करता है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में, और नेक्स्ट मास्टर क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि कोई और एक डिटेल टॉपिक पर बात किया जाए जो कि एडवांस लेवल के में सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।